वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बेसन, सूजी और दही से ढोकले बनाते हैं। ये देखिए हमारे ढोकले कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं। इनके लिए ये इंग्रेडिएंट हैं: सरसों का तेल, बेसन, दही, सूजी, एक पैकेट इनो, एक चम्मच चीनी और स्वाद अनुसार नमक है। फ्रेंड्स, अब हम वेज कटर में दही को डाल करके पहले अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। ये दही हमारी देखिए फेंट गई है। अब हम एक बाउल लेकर के बड़ा सा, उसमें हम सूजी, बेसन, दही नमक व चीनी मिला करके उसे मिला लेते हैं और उसको मिलाने के लिए पानी को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि मैंने घोल तैयार कर लिया है ढोकले के लिए। इससे ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना हल्का होना चाहिए, नहीं तो हमारा ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लिए हैं दोस्तों। अब हमारा घोल तैयार हो गया है और हम इसे अब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टीम करने के लिए बाउल लेते हैं एल्युमिनियम का, उसमें हम सरसों के तेल की ग्रीसिंग करते हैं। हमने सरसों का तेल थोड़ा सा एक चम्मच डाला है और हम अपने हाथों से ही इसको अच्छे से चारों तरफ ग्रीसिंग कर देते हैं। इसे ठीक रहता है। ये देखिए ग्रीसिंग हमारी हो गई है। फ्रेंड्स, अब ढोकले को स्टीम करने के लिए हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम करीब 1 लीटर पानी डालेंगे और उस पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे ताकि हमारी स्टीम तैयार हो। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम अपने डो में इनो और सरसों के तेल को डालकर मिला लेते हैं। देखिए, हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है और उसमें डाल लिया है और उसमें एक पैकेट इनो पूरा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करते करते हमारा डो इनो की वजह से काफ़ी फ्लफी हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, हमें सरसों का तेल और इनो को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं उन्हें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया, हमारा डो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हम अपने ग्रीस किए हुए बर्तन को लेते हैं और उसमें इस डो को डाल देंगे ताकि हम उसे स्टीम होने के लिए कढ़ाई में रख सकें। ये देखिए, अब हम इसमें सारा अपना ढोकले का डो डालते हैं। अब हमने इसमें डो डाल दिया है और इसको थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के ऐसे कर देने से इसके जो अंदर बबल होंगे वो निकल जाएंगे और अब हमारा ये स्टीम होने के लिए तैयार है। ये देखिए, कढ़ाई में पानी उबलने लगा है और स्टीम भी बननी शुरू हो गई है। हम पहले नीचे एक प्लेट रख देते हैं ताकि हमारा बर्तन ऊपर रहे और अच्छे से स्टीम हो सके।
इसको रख देने के बाद अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा भी होता है तो मैंने उसे चाकू से सीधा कर दिया है। आप भी अपने बर्तन को सीधा कर लीजिएगा। और हमने इसे ढक दिया है और लो फ्लेम कर दिया है ताकि स्टीम अच्छे से बने। और ये तब तक हम छौंके के लिए सामग्री तैयार कर लेते हैं। ये काली सरसों है, ये हरी मिर्च है स्वाद अनुसार, मैंने ऐसे इसको ग्रेट कर लिया है। ये करी लीव है और सरसों का तेल। ये देखिए 12 मिनट लगभग के बाद हमारा ढोकला स्टीम हो गया है और हमने एक चाकू डाल कर देख लिया है, वो अच्छे से पक गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अभी गर्म है और अभी हम इसे नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम इसको निकालेंगे। तब ये ठंडा हो जाने पे थोड़ा सख्त हो जाएगा तो अच्छे से निकल जाएगा। इसे हमने फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया है और मैं इसे चाकू से किनारे किनारे से अलग कर ले रही हूँ और फिर हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए ऊपर से मैं हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा इसको थपकी देती हूँ और ये देखिए आसानी से हमारा ढोकला निकल गया है। ये इसके दाने देखिए बता रहा है कि कितने सॉफ्ट बने हैं। अब मैं इसे सीधा करके रखती हूँ और इसे चाकू से काट लेती हूँ। रखने से ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो इसे चाकू से काटते समय हमारे अच्छे स्लाइस बनेंगे, वरना वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इतना सॉफ्ट हमारा ढोकला है। देखिए अच्छे से चाकू से मैं इसे काट पा रही हूँ। ये मैंने ढोकले काट लिए हैं। अब आप ये देखिए टुकड़ों को अंदर से कितने सॉफ्ट हुए हैं। अब इन टुकड़ों को काट लेने के बाद अब हम इन्हें छौंका लगा देते हैं। छौंके के लिए हम एक पैन को गैस के ऊपर रखते हैं और इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं। सरसों का तेल आपको ज़्यादा करना है धुआं उठने तक, वरना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दोस्तों ये देखिए हमारे सरसों के तेल में धुआं उठना शुरू हो गया है और हम अब इसमें सरसों के दाने डालेंगे। ये देखिए सरसों के दाने चटकने भी शुरू हो गए हैं। इसमें हम तुरंत हरी मिर्च फ्लिट की हुई और उसके बाद तुरंत करी पत्ता डालेंगे और यदि आपको हींग डालना है तो एक चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए हमारा पूरी तरह से तड़का एकदम तैयार हो गया है। इसे हम चम्मच से थोड़ा हिला देते हैं ताकि तड़का एकदम तैयार हो जाए और हम इस सारे ढोकले के ऊपर उस तड़के को फैला देते हैं। देखिए मैंने फैला दिया है, हमारा ढोकला तैयार हो गया है। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।